हेलो दोस्तों, नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एपीआई से डेटा को हम यहाँ पर फैच करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम आ गए ऐप फोल्डर के अंदर। यहाँ पर ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यूजर नाम से, यूजर, और इसके अंदर हम दो पेज क्रिएट करेंगे। तो पहला होगा पेज डॉट टीएसएक्स, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको एंटर किया, एक हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो कंपोनेंट है पेज का, इसको हम रीनेम करेंगे यूजर, और यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है इसमें हम करेंगे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक हम डिव लेंगे, डिव क्लास नेम कंटेनर, इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इसके अंदर एक हमने और डिव लिया और क्लास में दिया रो, मैंने एंटर किया। यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इसकी क्लास होगी कॉल MD12, और इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग लिया, हेडिंग में मैंने लिखा यूजर डेटा लिस्टिंग। हेडिंग में मैंने एक क्लास ऐड किया मार्जिन टॉप से 3। यहाँ पर एक हम टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, टेबल, और इसको मैंने क्लोज किया। टेबल के अंदर होगा हमारा टी हेड, और यहाँ पर होगा टी आर के अंदर होगा TH, और यहाँ पर मैंने क्लोज किया। सीरियल नंबर, नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर। मैं यहाँ पर टी बॉडी को ओपन करेंगे। टी बॉडी के अंदर मैंने एक टी आर लिया, और टी आर के बाद हमारा होगा टी डी लेंगे। टी डी में आ जाएगा यहाँ पे 1, और नेम में हो जाएगा यहाँ पर टेस्ट। अभी ये डायनेमिक होगा, और उसके बाद क्या है यूजर नेम test123, और उसके बाद है ईमेल के लिए मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे ईमेल test@gmail.com, और फोन नंबर में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। अब हम क्या करेंगे, हेडर पर एक लिंक जनरेट करेंगे। तो चलते हैं कॉमन फोल्डर के अंदर header.tsx पर। यहाँ पर देखिए जो बटन आ रहा है सर्च का, उसके नीचे जो कि हम एक लिंक जनरेट करेंगे, यहाँ पर होगा लिंक का नाम यूजर। यहाँ पर मैंने लिखा लिंक HREF, और यहाँ पर हम पास करेंगे /user, और यहाँ हमने एक क्लास ऐड किया BTN success, और इसको मैंने क्लोज किया यूजर। चलते हैं हम UI पर। हमारा यूआई पर यहाँ देखिए राइट साइड में एक यूजर का लिंक यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए हम आ गए यूजर के पेज पर। हमारा यहाँ पर टेबल आ गया और डमी डेटा आ गया, लेकिन इसका फॉर्मेट नहीं हो रहा क्योंकि हमें यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी होगी page.tsx पर। देखिए टेबल में मैंने एक क्लास ऐड किया, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। टेबल स्पेस देंगे और लिखेंगे टेबल बॉर्डर्ड। मैंने इसको सेव किया। हम चलते हैं ब्राउजर में। देखिए मैंने क्लास लिखा तो इसकी यूआई हमारी परफेक्ट आ गई। अब इसमें हमें डेटा को डायनेमिक करना है। ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा डेटा। मैंने एंटर किया, और इसके अंदर एक हम पेज क्रिएट करेंगे getAllUsers.tsx। मैंने इसको एंटर किया RFC, और एंटर किया मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया रिस्पांस के नाम से इक्वल टू, यहाँ पर हमने फैच API को कॉल करेंगे, और हम चलते हैं ब्राउजर में। ये देखिए हमारा JSON प्लेस होल्डर की एक API है यूजर की। इसी URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ हम
फैच एपीआई में पास करेंगे। पास करने के बाद इस फंक्शन को हम पासिंग फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे अवेट का, और यहाँ पर एक और हम कांस्टेंट लेंगे अब यहाँ से जो रिस्पांस आएगा उसको हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। अगर डेटा पे यहाँ पे कोई एरर है तो क्या होगा, हमारा जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है रिस्पांस, सॉरी यहाँ पे इसकी स्पेलिंग रिस्पांस, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पास करेंगे कंट्रोल वी और डॉट ओके है तो, अगर यहाँ पर कोई एरर है तो क्या करें, यहाँ पर हो जाएगा थ्रो, थ्रो कर दे और यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ में एक एरर रिटर्न कर दे। और यहाँ पर मैंने मैसेज पास किया फेल टू फैच डेटा, और नहीं तो रिटर्न कर दे हमें जो कांस्टेंट का है रिस्पांस का, रिस्पांस डॉट जेएसएन, हमें जेएसएन में डेटा जो है रिटर्न कर दे। अब हम चलते हैं पेज डॉट टीएसएक्स पर, हम आ गए पेज डॉट टीएसएक्स पर, हम यहाँ पर डेटा को कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए डेटा फोल्डर के अंदर गेट ऑल यूजर का जो हमने पेज क्रिएट किया है इसको हम क्या करेंगे, पेज पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट गेट ऑल यूजर्स, और यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट लिया यूजर डेटा, यहाँ पर देंगे इसको कॉलन, प्रॉमिस, और यहाँ पे देखिए हम टाइप पास करेंगे, टाइप में क्या होगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमने गेट ऑल यूजर्स है ये एज ए फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल कर दिया इक्वल टू में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो डेटा आ रहा है एपीआई से उसका हमें टाइप जो कि चेक करना होगा। तो टाइप्स के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमने ऐप फोल्डर के हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पे एक टी एस फाइल है next-env.d.ts, इसी सेम नेम से हमें एक फाइल क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक हम फाइल क्रिएट करेंगे, देखिए टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस, मैंने इसको एंटर किया, एपीआई में जो डेटा आ रहा है उसका हम टाइप चेक करेंगे। हम चलते हैं ब्राउजर में, ये देखिए जो हमारा एपीआई का डेटा है, यहाँ एरे एंड ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप यूजर इक्वल टू में, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो आईडी है ये हमारा क्या है, नंबर, तो यहाँ हमें पास करना होगा नंबर, और जो नेम है ये हमारा है स्ट्रिंग, ऐसे ही सभी के जगह पास करना होगा। मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, देखिए यूजर आईडी है नंबर और बाकी सब स्ट्रिंग, इसको मैंने सेव किया। हमें जो यूजर का डेटा चाहिए उसके मैंने यहाँ पर टाइप को डिफाइन कर दिया। यहाँ देखिए हम आ गए टी एस कॉन्फिग डॉट जी एस एम पर, यहाँ पर कॉन्फिग में देखिए इंक्लूड, अगर आपको कोई फाइल इंक्लूड करना है तो उसका फॉर्मेट आपको डॉट टी एस रखना होगा या डॉट टी एस एक्स या फिर डॉट डी डॉट टी एस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूजर के टाइप को क्रिएट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज डॉट टी एस एक्स है यूजर का, यहाँ पर हम कॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा यूजर, यहाँ पर हम पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारा डेटा जो है प्रॉमिस में यहाँ पर गेट यूजर से मैंने कॉल कर लिया, और इसी के साथ अब हम एक अगला कॉन्स्टेंट लेंगे कॉन्स्ट यूजर्स, जो हमारा डेटा आ रहा है जो हमने यहाँ पे ऊपर कॉन्स्टेंट लिया है यूजर डेटा, और यहाँ पर सेमी कॉलन, और इस फंक्शन को हम करेंगे एसिंग हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, इसको मैंने किया सेव। अभी डेटा हमें मिल रहा होगा, ठीक है, करली ब्रैकेट ऑन यूजर्स डॉट मैप, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर एक हम कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जो हमारा टी आर है कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मैं कॉल बैक के अंदर जो कि कॉल करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे यू से यूजर डेटा इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जो हमारा टी आर है इसमें हम एक की ऐड करेंगे,
udata.id सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या हो जाएगा udata.id, और जो हमारा टेस्ट है ये हमारा यूज, यहाँ पर नेम आएगा udata.name, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑन, नेम के बाद है यूजर नेम udata.username। API से हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने ईमेल की जगह udata.email और यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद, ऐसे ही फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पर करली ब्रैकेट ऑन और यहाँ पर लिखा udata.phone number, तो हमें यहाँ पर फ़ोन जो हमें API से रिटर्न हो रहा है। हम चलते हैं UI पर, देखिए रिफ्रेश भी नहीं किया, ये हमारा रिफ्रेश हो गया और यूजर का डेटा हमारा जो है कि डायनेमिक हो गया। यहाँ पे 10 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 7 8 9 10 रिकॉर्ड हमारे आ गए। ऐसे हम चलते हैं अबाउट पे, देखिए हम अबाउट वाले पेज पे आ गए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे आ गए, हम यूजर पे क्लिक किया मैंने तो यूजर का डेटा आ गया। ये जो फुटर है इसको हम बॉटम में कर देते हैं, तो चलते हैं हम footer.jsx पर। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ड्यू कंटेनर है, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, कमेंट किया, कमेंट करने के बाद इसके अंदर हम लेंगे सेक्शन और यहाँ पर इसको मैंने बंद किया। बंद करने के बाद इसमें हम एक क्लास ऐड करेंगे, यहाँ पर क्लास होगी डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और डी नन डी हाइफन एल जी ब्लॉक और मार्जिन टॉप से 3। इसको मैंने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ लिया, डेवऑप्स डेवलपर टीम, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम चलते हैं style.css पर, यहाँ पर देखिए लिखेंगे बॉटम से 0 और इसका विड्थ हम देंगे 100%। अगर पोजीशन भी फिक्स करना चाहते हैं तो पोजीशन हम क्या करेंगे, पोजीशन फिक्स कर देंगे। इसको मैंने सेव किया, हम चलते हैं ब्राउजर में, ये देखिए फुटर जो कि बॉटम में चला गया और हम होम पे चलते हैं, देखिए हमारा फुटर जो कि बॉटम में ही रहेगा, तो हमारी UI भी परफेक्ट हो गई। और हम चलते हैं यूजर पर, यहाँ पर देखिए यूजर का हमारा डेटा आ गया, मार्जिन टॉप से -3। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट जो है कि सेंटर में आ गया और टॉप बॉटम से सेम स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो चलते हैं यूजर पर, यहाँ पर देखिए हमारा डेटा यहाँ पर डायनेमिक हो चुका है, ठीक है, डेटा हमारा डायनेमिक हो गया, लेकिन हमें नेक्स्ट जेएस 13 का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। तो जो हमारा यूजर का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक हम और पेज क्रिएट करेंगे, इस पेज का नाम होगा layout.tsx। हम आ गए अबाउट के फोल्डर में, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर layout.tsx मैंने क्रिएट किया था, तो मैंने इसको यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C मैंने कॉपी किया और जो layout.tsx है यूजर फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर पेज कर दिया। और यहाँ पर बस आपको सिर्फ इसका नेम चेंज करना है, यहाँ पर आपको लिखना है यूजर, इसको बस आपको सेव कर देना है, हर एक फोल्डर में layout.tsx क्रिएट करना होगा। इसको मैंने सेव किया, चलते हैं ब्राउजर में, हम आ गए ब्राउजर में, यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक किया अबाउट पर, हम आ गए अबाउट पेज पर, कॉन्टैक्ट पर आ गए और ऐसे हम यूजर पे आ गए। तो आपने देखा Next.js 13 में डेटा को कैसे फैच करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।